हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया था वो किया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उसमें, कि हमने ये देखा था कि 1905 में जो है हमारा बंगाल पार्टीशन हुआ था, ठीक है, बंगाल पार्टीशन 1907 में उसका एनिहिलेशन हुआ था, ठीक है, बंगाल पार्टीशन का एनिहिलेशन, और इसके बाद हमारा जो है 1909 में हमारा जो है हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं वो आए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, और इसमें हमारा जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसका रीजन क्या था वो हम मैंने आपको बता ही दिया था कि 1907 में एनिहिलेशन का रीजन ये था कि हमारा जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर था जिसको जिसने जो है विच ऑलमोस्ट शुक दी व्हाट द बेसिक फाउंडेशंस ऑफ बीपी क्या लिखा है? बंगाल पार्टीशन, पूरा लिखना पड़ेगा मतलब पार्टीशन, ठीक है, बंगाल पार्टीशन। ज्योति मैम आप बुक ना किनारे रख दो, अब वो बुक में नहीं घुसो आप, ठीक है, और सेपरेट इलेक्टोरेट का रीजन था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये यहां पर इसीलिए फिर आया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हुम मुस्लिम्स, इससे क्या हुआ मुस्लिम्स को और हिंदू हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो है डिवाइड एंड रूल का एक न्यू कॉन्सेप्ट हो गया, और एक रिफ्ट जो है रिलीजियस लाइंस पे एक रिफ्ट आ गई, और उस रिफ्ट का जो है फायदा फिर अंग्रेजों ने आगे उठाया, और वो आज तक जो है इंडिया उस चीज का जो है इंडिया इज स्टिल फेसिंग दिस ग्रिम सिचुएशन ऑफ द सेम ऑफ द सेम आउटकम और द रेपरकशंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना। अच्छा ये हमने देख लिया वो 1901। अब एक क्वेश्चन है 2012 सिविल सर्विसेज का, ठीक है, उसको देख लेते हैं, वो थोड़ा सा आपको जो है, चलिए तो फिर ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है हमारा सिविल सर्विसेज 2012 का हम डिस्कस करते हैं, और अब आप जो है दोनों के दोनों इसको कोशिश करेंगे कि आप दोनों इसका आंसर करें, और अपना ये एक कॉमन सेंस वाला जो एक एप्टीट्यूड है ना उसको चेक करें कि आप इसको कर पाते कि नहीं कर पाते, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, 1919 का एक एक्ट था, देखो 1909 में मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया उसके फेलियर की वजह से, जब ये बनाया गया तो इस समय ये बोला है कि हर 10 साल में इसका रिव्यू किया जाएगा, ठीक है, ये मैंने आपको हिस्ट्री दे दी इसकी, तो रिव्यू हुआ और 1919 में उसको रिव्यू रिपोर्ट है ये, ठीक है, तो अब इसकी बात हो रही है, और सिविल सर्विसेज वाले यूपीएससी वाले किस कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो आप देख लो, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है GOI 1999 में द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, एक फर्स्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में डायरकी, मैं आपको इसको शॉर्ट में करके बता रहा हूं, प्रोविंसेस में अभी कुछ बात बोलना आपको, ठीक है, आपको अगर पता भी है दोनों को तो अभी कुछ नहीं बोलेगा, दूसरा ऑप्शन है, और ये सिविल सर्विसेज आईएएस का 2012 का क्वेश्चन है, आईएएस नहीं लिखते सिविल सर्विसेज लिखते हैं, सीएस लिखते हैं, गलत लिख दिया मैंने, इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं। दूसरा है द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये भी शायद आपको अगर पता है तो भी आप चुप रहना, और तीसरा ऑप्शन है डेवल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाई द सेंटर टू द प्रोविंसेस, डेवल्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो मैं आपको बता रहा था ना कि अपनी पावर जो है मैंने, इफ आई एम अ पीएम देन आई एम डेवल्यूटिंग माई पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट, डेवल्यूशन ऑफ पावर टू प्रोविंसेस फ्रॉम हुम सेंटर से, है ना, प्रोविंसेस। अब ऑप्शंस चूज करने हैं आपको कि 1919 में कौन कौन सी चीजें इनमें से हुई, पहला ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन है ओनली वन, दूसरा ऑप्शन है टू एंड थ्री, मतलब कौन सही है, कई बार ऐसा होता है कौन सही नहीं है तो आपको नॉट भी देखना है,
अब कॉमन सेंस में क्या, तो जल्दीबाजी में तो ज्योति मैम गई और उन्होंने नॉट देखा ही नहीं, और पता था और वो कर गया, फिर बाद में बोला अरे यार नॉट देखा ही नहीं मैंने, है ना, तो ठीक है, आई एम सॉरी मैम, मैं सर आपको ज्योति मैम मत बोलिए ना, ज्योति बोलिए नहीं कोई बात नहीं मैम, ठीक है आप, थी। ठीक है। एक है 1 एंड 3 और लास्ट ऑप्शन है, मैं मैम ही बोलता हूँ, 1, मैं बाद में भी मैम ही बोलूंगा, तो मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा तो मैं अपने जूनियर जो भी हैं वो भी, ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। अब आप मुझे बताओ 1919 के प्रोविजन इनमें से कौन कौन से लग रहे हैं आपको, अगर ये सिविल सर्विस 12 क्वेश्चन है, अब आप बताओ क्या आप सॉल्व कर सकते हो बिना पढ़े, अब आपको जितना बिना पढ़े मतलब आपने कोई एकेडमिक एग्जाम की कोई रेफरेंस बुक रेफर नहीं किया, बताओ मुझे। अब एक क्वेश्चन है MPPCS का, वो आप मेरे को बताओ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना एनालिसिस वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है किसी एक का शासन, ऑटोक्रैट बोलते हैं ना उसको, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्रेसी, हमारे यहां किसका शासन है वैसे अभी प्रेजेंट में, मतलब हमारी 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 जो हमारे, हाँ हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, ध्यान रखना डेमोक्रेसी भी बहुत टाइप की होती है, हमारे किस तरीके की है, रिप्रेजेंटेटिव टाइप डेमोक्रेसी है, ठीक है, कि भाई ऐसा भी हो सकता है ना कहीं किसी जगह डेमोक्रेसी ऐसी हो कि ठीक है मतलब लोग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स को ना चुने, रादर देन खुद ही को बोलते हैं कि हम ही सब गवर्नमेंट है, हम जो डिसाइड करेंगे हम कर, लेकिन हम क्या करते हैं हम चुनते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं हमारे 545 कहाँ पे, संसद में, हालांकि पावर हमारे पास है लेकिन रिप्रेजेंटेशन करते हैं यहाँ पे, इसीलिए कहते हैं कि इंडियन पॉलिटी इज रिप्रेजेंटेटिव टाइप डेमोक्रेसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ ये आपका MPPCS 2017 में आया हुआ है, और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी जो है वो आपका, ये मैं अभी का ये डिस्कशन करता कि हमारी रिप्रेजेंटेटिव टाइप डेमोक्रेसी है, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्रेसी का मतलब होता है किसी एक का शासन, ठीक है, अभी तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ संविधान का शासन है, मतलब तो संविधान से हमारी सारी चीजें प्रदत्त है ना, संविधान से हम सब शक्ति प्रदान वो करते हैं, लेकिन और दूसरा हमारा संविधान का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, ये भी थोड़ा बहुत आप हिस्ट्री को जान लो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल का जो सबसे बड़ी बोरोइंग है वो कहां से है हमारी, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अच्छा ये एक्ट हमारा सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था और हमने कॉपी किया था, ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बोरोइंग है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्रेसी भी 1935 का ही प्रोडक्ट है, ये बोलता था कि सेंटर में जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, वो करेगा और इधर आपका गवर्नर्स करेंगे प्रोविंसेस में, समझ गए ना आप, ये गवर्नर क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड है ना, मतलब अपॉइंट किया हुआ है किसी ने, ऐसी गवर्नर ऑफ जनरल को भी अपॉइंट किया हुआ है, अभी के लिए क्या होता है, अभी ये होता है कि हमारे यहाँ क्या होता है गवर्नर की जगह पे CM होता है, चीफ मिनिस्टर, उसको हम क्या करते हैं, क्या करते हैं उसको हम, उसको इलेक्ट करते हैं। हाँ चुनते हैं उसको, और अब यहां पर कौन होता है गवर्नर जनरल की जगह पे, प्राइम मिनिस्टर, हाँ इसको भी हम गवर्नर चुनते हैं, ठीक है, तो इसीलिए 1930, इसीलिए अब हम इसको बोलते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव है हमारा, तो इसको ऑटोक्रेसी के नाम पे अब क्या बोलेंगे हम इसको, अब हमारे यहाँ कैसा सिस्टम है प्रिंसिपल ऑफ, और तब क्या था, क्यों था, क्योंकि गवर्नर जनरल क्या था, किसी ने नॉमिनेट, किसी ने अपॉइंट किया हुआ था, अब हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं होती, अब हमारे यहाँ चुनाव होता है, इलेक्ट करते हैं हम, अब हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट होती है किन की, एग्जीक्यूटिव विंग्स में ऑफिसर्स की, जो आपकी होगी IAS SPCS या कोई ऑल इंडिया सर्विस, हाँ RBI एक्ट, जो RBI का वो जो है एक्ट तो 1949 का था आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन 1935 में RBI वो हो गया था,
लेकिन उसका नाम आरबीआई नहीं था तब, इम्पीरियल बैंक था उसका नाम, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 1935 से वो जो है इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया था उसने। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। बाइकैमरल का मतलब क्या होता है भाई, बताओ मेरे को आप। बाइकैमरल, बाइकैमरल का मतलब क्या होता है? और अगर मैं स्टेट लेवल पे बात करूं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हो गया? लोकसभा, काउंसिल, लोकसभा और राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल, इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल। एंड यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। उत्तराखंड में है लेजिस्लेटिव काउंसिल? किस किन स्टेट्स में होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल? हाँ, सर्टेन लेवल ऑफ, जब जिसका पॉपुलेशन ज्यादा होता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए ना, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी जाते हैं फिर यहाँ, यहाँ से उठा के यहाँ भेज सकते हैं ना, यहाँ से भी भेजते हैं फिर, जहाँ पड़े हैं वहां पे। इसको मतलब अपर हाउस बोलते हैं, इसको हम अपर हाउस बोलते हैं और ये लोअर हाउस है। लेकिन हाँ, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल से जाते हैं नहीं जाते हैं, ये थोड़ा सा चेक करने वाला है। एमपी एमएलए, हाँ इसको हम बोलते हैं एमएलए, और ये होते हैं दोनों के दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ दोनों ही दोनों एमपी हैं, और वो एमएलए। दीज आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये एमएलसी होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब वो ये पूछ रहा है कि बाइकैमरलिज्म पहली बार कब आई इंडिया में, कौन से एक्ट से आई? पहला ऑप्शन है 1892 का काउंसिल एक्ट, दूसरा है, अब यही चीज आपको देखो इतना पता चल गया और आपको ये भी पता चल गया किस एक्ट से आई, तो आपका सारा काम पूरा हो गया। दूसरा है 1909 के एक्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीसरा है 1919 के एक्ट से, और चौथा है 1935 के। 1909 में पहला एडमिनिस्ट्रेटिव उन्होंने मतलब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म किए, 10 साल बाद उन्होंने रिव्यू किया, और फिर 28 में करना था लेकिन 28 में कुछ इश्यूज हो गए थे। ठीक है, और तो ये जो है आप ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ये है वो जो स्टैटिक फिगर है, आपको पता होना चाहिए कि 1919 से आया ये बाइकैमरलिज्म, 1935 से नहीं आया, 1919 से आया। तो ये भी आपको पता है तो ये आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं। ये चीज है जो आपको याद करनी है, एक्चुअल में ये चीज है। फिर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द बाइकैमरल, अच्छा वही क्वेश्चन है। अब देखो आप ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, 2008, 2013, 2008 अगेन, 3 बार है ना। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ। अब ये ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन रखे हुए बिल्कुल। ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दो लोगों के पास है। ऑर्डिनेंस का मतलब समझते हो आप क्या होता है? अध्यादेश। क्या होता है चांदनी मैम इसका मतलब? अध्यादेश का मतलब है, सपोज करो कि अभी हमारी जो जैसे गैरसैंण में विधानसभा है, यहाँ विधानसभा, विधानसभा बैठी भी नहीं है अगर, मतलब विधानसभा के सत्र होते हैं ना, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा, पर एक बार नहीं मैं बोल रहा हूँ सत्र से बाहर है अगर, ऐसे ही राज्य, ऐसे ही संसद भी सत्र से बाहर है, और अगर सपोज करो देश में कोई नया कानून बनाना हुआ, इमेज जैसे कोविड आ गया, और कोविड में कोई अगर जो है जैसे हमें हेल्थ में अभी अगर सपोज करो हम ऑलमोस्ट 1.2% जो है ऑफ जीडीपी जो है के आसपास, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ मैं, 1.2% ऑफ जीडीपी के आसपास हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको एकदम से बढ़ाना होता हम करते 10% ऑफ जीडीपी, तो इसमें आपको जो है कानून बनाने की आवश्यकता होती, क्योंकि मनी बिल है आर्टिकल 110, तो आपको तो बिल्कुल लोकसभा चाहिए बैठी हुई उसमें, तो आप कैसे इस चीज को इंश्योर करोगे, सरकार कैसे इंश्योर करेगी कि ये चीज जो है हो जाए बिना संसद के बैठे हुए, क्योंकि संसद में तो आपको पता है भाई एक होती है रूलिंग पार्टी, एक होती है अपोजिशन पार्टी, अब दोनों का कंसेंसस बनाना बहुत मुश्किल काम है, उसमें डिबेट होती है, डिस्कशन होता है। लेकिन अब ये नेशनल इंटरेस्ट का इशू अगर सामने आ गए, कुछ इंटरनल सिक्योरिटी आ गई, वॉर सिचुएशन आ गई, हमको कुछ करना है, तो कैसे बनाओगे आप, मतलब कैसे रूल बनाओगे आप? बिना कोई पार्टी बैठाए, बिना संसद बैठाए, पार्टी नहीं, बिना सांसद बैठाए, बिना लोकसभा के, बिना सांसद बैठाए, और उधर राज्य में बिना क्या बोलते हैं इनको, सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं पास कर सकता ना मैडम,
सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होता है? प्रेसिडेंट के पास जाएंगे वो तो। हाँ, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएंगे तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, कौन क्या क्या हो, किस कैसे क्या होगा, क्या बोलते हैं उस प्रपत्र को जिसपे वो साइन करेगा, उसको अध्यादेश कहते हैं। कि अगर इतना है, हमें बढ़ाना है, हमने हम ये भी लिखेंगे उसमें, सरकार उसमें ये लिखेगी जैसे ही संसद का सत्र बैठेगा हम इस पर लॉ बनाएंगे, आप अध्यादेश बना देने की अनुमति करें, और अध्यादेश पे साइन करेगा राष्ट्रपति। किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और राज्य सरकार के लिए कौन करेगा? नॉमिनेशन, आप यही आ जाएगा, राज्यपाल इज अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड, आप नॉमिनेटेड। अध्यादेश के लिए टाइम इस चीज का होता है कि हम इस पर लॉ कैसे बनाएंगे, 6 महीने का, जब तक कहते हैं 6 मंथ्स के अंदर आपको बैठा के इस पे अप्रूवल लेना ही होता है। आप इसको फिर रिव्यू वो भी आगे ही बढ़ा सकते हो, सपोज करो वॉर सिचुएशन, नहीं बैठ पाई संसद, नहीं ऐसा नहीं, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सात, उसमें केंद्र सरकार में और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसकी कैबिनेट इस पर निर्णय लेती है, वो देखती है, और उस पर भी कैबिनेट मिनिस्ट्री, कैबिनेट जो सेक्रेटरी है वो उस पर बैठते हैं, मीटिंग और कन्वीन करते हैं, फिर यहाँ वो डिस्कशन होता है, डिसाइड होता है, फिर उसके बाद ये जो है आगे बात बढ़ाई जाती है। हाँ, तो राष्ट्रपति को तो मानना पड़ेगा ना, राष्ट्रपति के पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, नहीं तो प्रेसिडेंट को कंपल्शन है कि उसको करना ही पड़ेगा, कुछ एक को छोड़ के पॉकेट वीटो एक चीज होती है कि वो अपने जेब में डाल ले कि भाई ठीक है मैं नहीं कर रहा, बट वो मना नहीं कर सकता, उसको वो थोड़ी देर के लिए डिले कर सकता है। तो क्या हो जाएगा उससे? अरे मैम देखो, प्रेसिडेंट एक सेरेमोनियल पोस्ट है। नहीं नहीं, वो सेरेमोनियल पोस्ट है भाई, सेरेमोनियल मतलब सिर्फ सेरेमनी में आया, बुलाया, बिठाया, गुलदस्ते दिए, थोड़ा दो चार रसगुल्ले खिलाए और भेज। हाँ, तो पावर ऑफ इशू ऑर्डिनेंस किससे आती है, कौन से एक्ट से आती है, आप बताओ मुझे मैम। हाँ, इशू ऑफ ऑर्डिनेंस किस एक्ट से आती है? ऑप्शन है 61, 17, 15, 19, 1919, 1935, 1909 और 1900, आप ले लो, चलो 1915 ले लो, चलो बताओ इन चारों में से किस में आएगी? 1919 से, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस तब का ऑर्डिनेंस जो है वो 1919, ये भाई ठीक है, गवर्नर जनरल के पास पावर होती थी कि वो अपना जो है ऑर्डिनेंस निकाल सके। नहीं नहीं, देखिए मैं ऐसा है ना, ये मैंने 1919 हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया ना, 1919 में आपके पास गवर्नर जनरल के पास, हमने किया था बाइकैमरलिज्म, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा था कि ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल से, आप यहीं आप ये भी देख लो कि प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 के अंडर जो है ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है, आर्टिकल 123। ये बहुत फेवरेट वो एरिया है, पूछते ही पूछते हैं आर्टिकल 123। अब आप बोलोगे ना आर्टिकल कहां से याद करते हैं, तो यहां से याद कर लो बस, खत्म। ऑर्डिनेंस पावर, प्रेसिडेंट के पास पावर कहां से, आर्टिकल। तो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या समझते हो, एडमिनिस्ट्रेशन क्या समझते हो आप, प्रशासन में आप क्या मानते हैं? प्रशासन का मतलब होता है कि सारा, मतलब एक उसमें सबसे बड़ी चीज होती है लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा, हाँ दूसरा आपका जनरल एस्पेक्ट जैसे रेवेन्यू, ठीक है। तो ऐसा होता था जब, मतलब ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किया 1764 के बाद, हमारा जो है दीवानी और निजामत राइट जो मैम ने भी बताए थे वो हो गए, फिर उसके बाद हम हमारे पास जो है धीरे धीरे इनको दीवानी राइट्स मिले। दीवानी राइट्स मिलने के बाद सबसे पहले जो है इनको रेगुलेट करने के लिए 1773 में आ गया था रेगुलेटिंग एक्ट, उन्होंने बोला आप ब्राइबरी ले रहे हो, इतना हमसे पैसा ले रहे हो और अपने आप आपके यहाँ इतने महल महल बना रखे हैं ब्रिटिश, है ना, मतलब वहाँ पे उधर यूके में। फिर इसके बाद आया पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। फिर आए कुछ काउंसिल्स एक्ट 1792, ठीक है। फिर आया 1813 और फिर आया 1833। तो आपको बेसिकली ना ये इतने एक्ट याद रखने ऐसे, इसका आंसर है 1833। मैं बता रहा हूं कैसे है वो आपको, देखो यहां पर आपने ईआईसी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वो निकाल दिया कि रेगुलेशन के लिए आपको नहीं, 1784 में थोड़ा और स्ट्रिंजेंट कर दिए नॉर्म्स कि ठीक है आप जो है कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है लेकिन रिपोर्ट भेजोगे आप, यहाँ बोला कि ठीक है आप ब्राइब नहीं ले सकते हो, ये नहीं कर सकते हो इस तरीके की चीजें, यहाँ उन्होंने बोला कि आप अपनी रेवेन्यू की रिपोर्ट भेजो हमें कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और किस तरीके से आप रेवेन्यू मैनेजमेंट कर रहे हो। 1792 के आसपास भी उन्होंने जो है रेवेन्यू से रिलेटेड ही रिफॉर्म किए कि आप अपना जो है मिलिट्री अफेयर्स के बारे में भी बताओ कि आप मिलिट्री का कैसे वो कर रहे हो,
ये मैं आपको बेसिक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। और ये सब कर कौन रहा था, क्योंकि सिर्फ ईआईसी वाले ही टॉप मोस्ट पोजिशन में थे। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडियंस का क्या रोल था? इंडियंस का रोल ये था कि सिर्फ ग्राउंड फोर्स ग्राउंड लेवल पे काम करते थे, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले इंडियंस जब ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में टॉप मोस्ट पोजिशन में कौन थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीओडी सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में आपके सारे ब्रिटिशर्स तो थे और कंपनी के ये सारे के सारे वो थे। तो इन्होंने क्या किया फिर, इन्होंने यहाँ 1833 में किसकी मोनोपोली खत्म कर दी? ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई किसको छोड़ के? चाय को छोड़ के और चीन के साथ ट्रेड को छोड़ के, और वो भी खत्म कर दिया कहाँ पे? 1833 में। तो जब चाय का ट्रेड भी खत्म कर दिया और चाइना के साथ भी ट्रेड खत्म कर दिया, तो क्या होगा? बाहर की और सारी कंपनीज भी, प्राइवेट कंपनीज भी इंडिया में आ जाएंगी, ठीक है। जब बाहर की बहुत सारी कंपनीज भी इंडिया में आ जाएंगी, प्राइवेट कंपनीज भी और गवर्नमेंट कंपनीज भी आ सकती है इंडिया में, तो क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन को मैं इंडियंस क्या बोलेंगे? इंडियंस का तो क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था ना उनका, तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ना। अरे भाई ग्राउंड फोर्स पे हैं, आपने पहले ही एक कंपनी इतनी जो है इतने टाइम से आपने यहाँ लगा के रखी थी, अब आप और इतनी कंपनीज भेज रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने इंडियंस ने क्या बोला, भाई ऐसा है अब आप जो भी कंपनीज भेज रहे हो ना उनमें हमको यहाँ बिठाओ आप, या हमारे लिए भी कोई स्थान इससे ऊपर का निश्चित करो, ठीक है। तो अब क्या हुआ फिर 1833 में, उससे पहले ही 1813 में जब ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई थी किसकी? हिस्ट्री समझ लें, ट्रेड मोनोपोली किसकी खत्म हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। किस 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 चीज को छोड़ के? चाय और चाइना के साथ ट्रेड को लेके, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, कंपनीज तभी आना स्टार्ट हो गई थी, इंडियंस ने बोला हमें ऊपर बढ़ाओ आप। तो क्या हुआ, मैकॉले नाम का एक इंसान था यहां पर, उसने क्या किया, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म लेके आया। वो उसने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म नहीं, उसने सिविल सर्विसेज में रिकमेंडेशन दिए कि कंपनी में जो हायर अप्स हैं, हायर ऑफिसर्स हैं, वो आप वहां पर इंडियंस का भी इंट्रोडक्शन आप जो है सुनिश्चित करो, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का वो करो। लेकिन उसको फटकार लगा दी किसने? ब्रिटिश पार्लियामेंटल, बोला चुप करो तुम, नहीं मानेंगे हम तुम्हारा कहना। तो फिर उसका वो तो दब गया आवाज, लेकिन 1833 में क्या किया फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, उसने चाइना के साथ और चीन चाय में भी बंद, मतलब चाय का ट्रेड भी और चाइना का ट्रेड भी बंद कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और कंपनीज आ गई। तो अब यहाँ पे सप्रेशन और बढ़ गया इंडियंस का। तो अब क्या करा उन्होंने, बोला चलो ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि इंडियंस के लिए सिविल सर्विसेज में एडमिशन ओपन कर दो। और सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस से पहले एक और हमारे यहाँ सिविल सर्वेंट हुए, बट एससी बोस जो है वो सेकंड नंबर पे सिविल सर्वेंट है इंडिया, और एक साल बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। तो अब वो डेट मैं आपको रिकॉल नहीं कर सकता, लेकिन ही रिजाइंड फ्रॉम द सर्विसेज, है ना, एक ही साल के अंदर बस। तो अपना ये नॉमिनल यहां से, तो यहाँ उसका फायदा किसको मिला? एससी बोस। और बहुत डिफिकल्ट होता था पेपर तब, आपको ब्रिटेन जाना पड़ रहा है, हो सकता है कि यही हुआ हो पेपर, लेकिन क्या इंटरव्यू के लिए गए हो ब्रिटेन, बट एक मेरे को रिकॉल हो रहा है कि उसने मतलब सुभाष चंद्र बोस एंटर्ड इनटू द इंटरव्यू रूम, और उसमें ब्रिटिशर्स ने उन्हें बोला कि एससी बोस मतलब दैट पर्सन बोर्ड मेंबर ओपन्ड हिज, उसने रिंग निकाली अपनी और बोला कि प्लीज एंटर फ्रॉम दिस रिंग, मतलब आप जो है इस रिंग से एंटर होके दिखाओ तो हम सेलेक्ट कर देते हैं आपको। उन्होंने चिट ली, अपना नाम लिखा और उसको आर पार कर दिया रिंग से। आप समझ रहे हो, उससे क्वेश्चन पूछते कि आपने कोई रिंग से कैसे पार हो जाओगे यार, इतना बड़ा इंसानी शरीर है, तो ही अपना नाम लिखा और रिंग से। तो ये ऐसे देन ये सारी चीजें। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कब आया? 1833 में, ठीक है। किताबें किताब किनारे रख दो आप, ठीक ठीक है। तो अब मैं जो है इसको I'll close this for a while and then we'll discuss later on. But आपको 16 questions हो गए ना, एक बार revise कर लेते हैं फटाफट 16 questions को revise करते हैं, आप उसके answer quickly बता दो मुझे। पहला है कि आपका Indians को administration में पहली बार कब वो मिला, share कब मिला, किस कौन से act से मिला?
आर्टिकल 123 लेकिन कौन से एक्ट से भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, 1909 या 1947 तब पढ़ाने का। बाइकैमरलिज्म कौन से एक्ट से आया? बाइकैमरलिज्म जो है फर्स्ट टाइम कब आया वही है, बताओ फिर से बताओ। 1919 के एक्ट से आया। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी किससे, किस एक्ट से आई? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी इस एक्ट से आई। दूसरा फिर मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि डायर्की कब आई प्रोविंशियल लेवल, और कम्युनल सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट कब आई। यही कंफ्यूजन में जब वहाँ पे आप, बहुत कम टाइम होगा आपके दिमाग में क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगा उस समय, तो आपको याद क्या आएगा? यही चीज़ें आएंगी यार जो आपने प्रैक्टिस करी है। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट का आपको 1909 में, डायर्की आपकी सेंट्रल लेवल पे कब इंट्रोड्यूस हुई? 1919 में ही हुई, पर ये हाँ गलत है। 1935 में, देखो फिर से सुनो, 1919 में सेंट्रल गवर्नमेंट में डायर्की आई, 1935 में वो हटी, ठीक है, लेकिन वो इंट्रोड्यूस कहाँ कर दी? प्रोविंशियल लेवल पे। अब है फिर आठवां क्वेश्चन है कि आपका डायर्की किस एक्ट से इंट्रोड्यूस हुई? रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट किस एक्ट से इंट्रोड्यूस हुई? अब ये बताओ डायर्की क्या है, ये तो बताओ। फेडरल कोर्ट कब आया? फेडरल कोर्ट जो है वो कौन से एक्ट से आया? अभी बात की हमने 1935 से। दूसरा आपका ये सुप्रीम कोर्ट कौन से एक्ट से आया? कलकत्ता में। दो क्वेश्चन बचे हैं, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर गलत मत करना आप लोग, अब ये सुन लो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस बजट? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909, 1919। ब्रिटिश पार्लियामेंट कब ने जो है कब एबॉलिश किया इसका मोनोपोली ट्रेड पे?